नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइट यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है विजेश। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ये जो स्विच है, ड्रिल मशीन का ट्रिगर स्विच जिसे कहते हैं, तो इसको हम इनसाइट करेंगे। और ये स्विच की खासियत ये है कि इसमें आपको वेरिएबल स्पीड भी मिलती है और रिवर्स फॉरवर्ड करने का स्विच भी इसी स्विच के अंदर मिलता है। ये जो स्विच है इसको बहुत से लोग ट्रिगर स्विच भी कहते हैं। तो इसके पहले जो वीडियो बनाया था मैंने ड्रिल मशीन का जो इनसाइट किया था वो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो ये स्विच है, तो इसमें जो आप देख सकते हो कुछ वायर सोल्डर करे हुए सोल्डर है, तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो जो मेरे पास सोल्डर आयरन है वो इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हीट की नहीं है, इस कारण से सोल्डर मेल्ट नहीं हो रहा था, तो मुझे डायरेक्ट वायर कट करना पड़े। तो इस प्रकार से कट करके निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे स्विच का वापस रीयूज़ भी करना है और मुझे उम्मीद कम है कि मैं इसको रीअसेंबल वापस कर पाऊँगा, क्योंकि ये स्विच की बनावट ऐसी है कि एक बार खोलने पर मतलब ये कभी रिपेयर होता ही नहीं है। तो जो आपको मैं दिखा रहा हूँ व्हाइट कलर का जो है पोर्शन, वो रिवर्स फॉरवर्ड करने का सिस्टम है। तो इस प्रकार से रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हो। यदि आपने स्विच को सेंटर में कर दिया तो स्विच लॉक हो जाता है। तो इसके आपने लॉक देख लिए होंगे जहाँ से ये ओपन होता है। और इसमें कुछ एल्यूमिनियम का इस पर छोटा सा पीस लगा हुआ था, तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं। और ये एल्यूमिनियम का पीस हीट सिंक का काम करता है। तो ये जो लगा हुआ ये ट्रांजिस्टर है या मॉस्फेट है वो हम आगे खोलेंगे, इसको इनसाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या चीज़ है, उसका नंबर क्या है वो भी पता करेंगे। तो ये जो लॉक है इसको प्रेस करके हम इसको आसानी से खोल सकते हैं ऐसा लगता है, लेकिन ये लॉक प्रेस नहीं होते हैं और इसके लिए मुझे ये लॉक तोड़ना पड़ेगा तभी ये रिमूव होगा। तो इसके लॉक तोड़ लेता हूँ फिर मैं आगे का आपको बताता हूँ। तो ये जो लॉक है मैं कोशिश कर रहा था कि आसानी से खुल जाए, लेकिन नहीं, मुझे लॉक तोड़ना पड़ा। जैसा कि आप देख रहे वीडियो में, मैंने इसके लॉक थे वो उसके आइट साइड का जो प्लास्टिक था वो हटा लिया, इसका मतलब लॉक टूट चुके हैं। अब मैं इसका आगे का जो ट्रिगर स्विच है उसको भी हटा देता हूँ, मतलब जो ट्रिगर का जो दिखता है हमें, तो ये हटा लिया। इस प्रकार से कुछ पिन दिखाई दे रही है, तो मैं उसको जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ और आपको इनसाइड करके दिखा देता हूँ। डायरेक्ट बहुत लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए मैंने बाकी के क्लिप्स वगैरह जो थे रिकॉर्डिंग थी वो हटा दी है, डायरेक्ट आपको बता दिया कि इस प्रकार से ये खुल जाएगा। और ये आप देख सकते हो इसका जो फर्स्ट इनसाइड करने के बाद, मतलब पहला जो जैसे ही हम इनसाइड करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, तो फर्स्ट व्यू में हमको ये कुछ देखने को मिलता है। तो ये जो स्विच है रिवर्स फॉरवर्ड करने का, तो इसको भी हम धीरे से रिमूव करेंगे। ऐसा रिमूव करना है हमको कि हमको मालूम भी पड़ना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसी क्या लगी है, तभी हमको सिस्टम समझ में आता है। तो इस प्रकार से ये जो पिन लगी है यही उसकी ग्रूव्स है जहाँ पर आपको टिक टिक की आवाज़ आती है जब लॉक करते हैं, हम इसको रिवर्स फॉरवर्ड में इंगेज करते हैं तो आपको ये फील होता है। तो ये फील होने के लिए ये पट्टी लगी छोटी सी जो मैंने इसको रिमूव कर दी है। इसमें बहुत सारे स्प्रिंग है पूरे स्विच के अंदर अलग अलग काम के लिए। तो जैसे मैं इसको ये अलग स्विच निकाल रहा हूँ, मतलब इस स्विच के अंदर बहुत सारे स्विच है, तो इसमें आप देख सकते हो दो मेटल की पट्टियाँ लगी है, उसमें भी आप देख सकते हो स्प्रिंग लगे हुए। तो ये बहुत मुश्किल होगा इसको वापस रीअसेंबल करना, लेकिन अंदर क्या है वो हमको देखना बहुत ज़रूरी है नॉलेज के लिए। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर है 7509 ऐसा कुछ नंबर है और ये नंबर मैंने गूगल पर सर्च किया था, तो ये मॉस्फेट है। तो बाकी का हम प्रोसेस जो इसका इनसाइड वाला है ओपन करने का वो हम चालू रखते हैं। और आप देख सकते हो इसमें एक डायोड लगा है, डायोड का नंबर आप देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से। तो डायोड हम रिमूव कर लेते हैं। डायोड के बाद में बाकी क्लिप है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि वो दूसरी तरफ से बाहर निकली हुई जहाँ पर हमारे वायर कनेक्टेड थे, सोल्डर करा हुआ था। तो इसको धीरे धीरे मैं असेंबल कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स, मतलब इसकी जो बनावट है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इतने छोटे में इन्होंने बहुत कुछ बहुत बढ़िया डिज़ाइन करके बनाया होगा, बहुत दिमाग लगाया होगा इस प्रकार के स्विच बनाने में। आप देख सकते हो इसके पीछे की साइड इस प्रकार से कुछ प्रिंट है, यहीं पे प्रिंट में ये हमारा ट्रिगर होता है वो स्लाइड होता है जिस कारण से स्पीड कम ज़्यादा होती है। तो ये पूरा सिस्टम स्पीड कम ज़्यादा का है, जो मॉस्फेट है वो भी स्पीड कम ज़्यादा के लिए ही बना है। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे स्लाइड होता है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें कुछ एक दो स्प्रिंग इधर उधर हो चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर, जैसे बड़ा सबसे बड़ा स्प्रिंग इसमें यही है जो स्विच को आगे पीछे करता है, मतलब आगे पीछे नहीं करता है, सिर्फ बाहर के साइड एक प्रेशर बना के रखता है कि हम ट्रिगर को जब प्रेस करते हैं तो उसमें इतना वजन आना चाहिए स्प्रिंग में। तो ये जो क्लिप है इसका स्प्रिंग गिर चुका है, अब ये स्प्रिंग मिलना मुश्किल है बाज़ार में और इस प्रकार का स्विच मिलना भी मुश्किल है। ऑनलाइन मिल जाता है तो ठीक है, यदि मेरे शहर में तो ये मैंने ढूंढा था, ये स्विच मुझे नहीं मिला। तो इस प्रकार से दोस्तों स्विच की बनावट है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस प्रकार से मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया है स्विच के अंदर क्या है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपने पूरा देखा उस सब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।